नमस्ते दोस्तों, हमेशा की तरह एक और नए मजेदार सी रेसिपी के साथ हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राई। तो भिंडी फ्राई हम कैसे बनाते हैं, तो आइए दोस्तों बनाना देखते हैं। तो भिंडी फ्राई बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो भिंडी, जिसको हमने धो कर पोंछ कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन भिंडी को काट लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों साइड से काट कर फेंक देंगे और फिर हम बीच से चीरा लगाएंगे। तो दोनों तरफ से हम पहले बीच से दोनों तरफ से अलग कर देंगे और अलग करके दोस्तों फिर से हम बीच से एक कट लगाएंगे और फिर हम फिर से इनको दो टुकड़ों में काट लेंगे। मतलब कि दोस्तों टोटल हमको 8 टुकड़े कर लेने हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी भिंडियों को काट लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे भिंडियों को काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगा इसमें, हमने लिए हैं 4 बड़े चम्मच बेसन, तो बेसन को डाल देंगे। और हमने लिए हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर डालने से हमारे जो भिंडी फ्राई है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और साथ ही हमने लिए हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारे मसालों को अच्छे से हम भिंडी में मिक्स कर लेंगे ताकि भिंडी में अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हमने गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। तो दोस्तों तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम थोड़े थोड़े करके भिंडी को डालेंगे। एक साथ में बहुत ज्यादा भिंडी को मत डालिएगा, नहीं तो अच्छे से भिंडी जो है फ्राई नहीं होंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम उलटते पलटते हुए भिंडी को क्रिस्पी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो भिंडी है अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे भिंडी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप एक बार उनको इस तरीके से भिंडी फ्राई बनाकर दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगी, वो मांग मांग कर खाएंगे। तो एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा दोस्तों, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम बाकी के भी भिंडियां फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बातों ही बातों में हमारी सारी भिंडियां फ्राई हो गई। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी भिंडी फ्राई बनकर तैयार है। तो हमारी आज की यह रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।